हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांसी सक्सेस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे एडवांसी सक्सेस पॉइंट परिवार में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर से एक और नया टेस्ट। 30 में से दीजिए 20 का सही जवाब। आपका ये टेस्ट लगातार कई दिनों से चल रहा है और इसके अंदर बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सभी बच्चे अपना अच्छा इसके अंदर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसके लिए भाई उनका दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी उसको बेहतर करते रहिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, CPO, CGL, CHSL, MTS, आप RRB, NTPC, ग्रुप डी, चाहे आपका सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी के लिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीरीज को लास्ट तक अटेंड करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की सीरीज के आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल स्टिक फॉरवर्ड रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है। आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है, राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का प्रातःकाल सुबह के समय राग भैरवी राग को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। आपको फ्रेंड्स बताना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। सभी फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, आखिरी क्वेश्चन तक बने रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आप पूरा पूरा फायदा उठा सकें। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हर एग्जाम को देखकर चुनकर लाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 0.03% आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चकुंदर की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको फ्रेंड्स बताना है चकुंदर की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनान आपका सही आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन के प्रेरणता कौन थे। आपका सही आंसर होगा विनोद भावे थे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, ब्राह्मण तव का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर आपका 3 गुप्तकाल वन से। आपका गुप्तकाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन हैं। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं जिनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर आपका 1 सलमान रुशदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग यमन का गायन कब होता है। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा रात्रि के प्रथम पहर के समय राग यमन को गाया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा पंच कीजिएगा आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आपको इस बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में करना है, साथ ही साथ लाइव काउंटर को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें, साथ ही साथ उनके अंदर भी एक कॉम्पिटिशन की जो भावना है और ज़्यादा उनके अंदर उत्पन्न हो। आपको फ्रेंड्स बताना है आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर 4 चिल्ली है। चिल्ली के अंदर आलू का उत्पत्ति विधि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की। आपको फ्रेंड्स बताना है रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रीवियस पेपर में इस क्वेश्चन को देखा गया है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर चुन चुन के लाए गए हैं। जिस प्रकार से बाग से सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर भगवान की
वाला बनाई जाती है, उसी तरह से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम को बेहतर करने के लिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर चुना गया है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 लॉर्ड डलहौजी के समय में, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? आपको फ्रेंड्स बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। पैटर्न फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा अनुच्छेद 85 है, जिसके तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, क्योंकि राज्यसभा को हमारी भंग नहीं किया जा सकता है, आपकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 85वें अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ये बेटा पंच कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच में हुआ था? फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है और जो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हुई थी। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। इस युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया गया था। क्या? इस युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया गया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पर, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके पेपर के अंदर हमेशा पूछा जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स करना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, और इसके और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध था। इसके आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जो अकबर है उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां के द्वारा द्वितीय जो पानीपत का युद्ध था उसको लड़ा गया था। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें हेमू की हार और अकबर की जीत हुई थी, और हेमू के को का सिर कलम है किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा कर दिया गया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। अली अकबर खान का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स के बेटा आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अली अकबर खान का संबंध किससे है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा सरोद से है, आपका फ्रेंड्स सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सरोद आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जिन फ्रेंड्स ने सेशन को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर लिया, उनका दिल से धन्यवाद। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स 9 अक्टूबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस विधान संशोधन द्वारा हुआ? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देंगे। गोवा राज्य का निर्माण किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 56वां संवैधानिक संशोधन था। आपका पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पर आए थे गोवा के अंदर, और सबसे आखिर में पुर्तगाली जो राज्य है भारत का उसको आज़ाद करवाया गया था 1961 के अंदर, और 56वें संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को भारत का राज्य, गोवा राज्य का निर्माण है संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपके लिए सैन्यता की SI इकाई क्या है? सैन्यता की SI इकाई क्या है? सैन्यता किसको बोलते हैं? विस्कोसिटी को। और आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर्स के अंदर पूछा गया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सैन्यता की इकाई क्या है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा पॉइज है, पॉइज आपका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था?
आपको फ्रेंड्स बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बैल्डन फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर क्या, 48 का ऑप्शन नंबर आपका दो है, 1975 के अंदर 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, और इसे ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपके आगे के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे, आपका सही आंसर होगा सलमान रुशीद थे, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, आपको फ्रेंड्स बताना है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। बैल्डन फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, अनुच्छेद 40, क्या अनुच्छेद 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था, मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम यूनिक बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका है, आपका फ्रेंड्स का डांस का लुई चौदवा, आपका लुई चौदवे के द्वारा यहाँ पर मैं ही राज्य हूँ का शब्द कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का निकासन किसके माध्यम से होता है, मानव शरीर में वसा का निकासन किसके माध्यम से होता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा मानव शरीर में वसा का निकासन किसके माध्यम से होता है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा गुर्दे के माध्यम से, ऑप्शन नंबर आपका गुर्दा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का निकासन गुर्दे के माध्यम से होता है, आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, आंसर कीजिएगा भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स की बेटा आंसर कीजिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या, जवान के नाम से जानते हैं, भारतीय सैनिकों को जवान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जब हमारी भारतीय सेनाओं की बात हो रही है तो इस जवान की जय करना बिल्कुल हमारे लिए एक गौरव का और एक यहाँ पर शान की बात बनती है, आपका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आपको फ्रेंड्स बताना है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया या किसे दिया गया, आपको फ्रेंड्स फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बैल्डन फ्रेंड्स के बेटा पंच कीजिएगा, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका विलियम कॉनराड और यहाँ पर रोटगन को, आपका जर्मनी से जो बिलोंग करते हैं उन्हें भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, फिर से देख लेंगे, कोर्स से सुन लेंगे, विलियम कॉनराड आपका रोटगन है जिन्हें यहाँ पर पहला भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और आपका भारत का किसको दिया गया है, सी वी रमन को दिया गया 1930 के अंदर रमन इफेक्ट के लिए भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, जिसके रमन जी के नाम पर ही भारत के अंदर 28 फरवरी को क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर या फिर आपका हिंद महासागर। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, आपको फ्रेंड्स बताना है नेशनल रिमोट
सेंसिंग एजेंसी कहाँ से है आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है एजेंसी सक्सेस पॉइंट में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको फ्रेंड्स बताना है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। आपका फ्रेंड्स सेंसर हो गया हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद आपका सेंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन को गौर से सुनेगा आपका फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फ्रेंड्स इसको ध्यान से करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस कमेंट को करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन है साथ के साथ क्लियर हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। आपका मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3, 1990 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स कि वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है आपको इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका 1 अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिका आपका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है संघ लोक सभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपने फ्रेंड्स बताना है संघ लोक सभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संघ लोक सभा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये किए जाते हैं। आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से भारत के सैनिक को यहाँ पर जवान के नाम से जानते हैं उसी प्रकार से नेपाल के सैनिक को किस नाम से जानते हैं। आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा गोरखा के नाम से। किसके नाम से, गोरखा के नाम से। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। फटाफट से सभी फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को स्किप करने से पहले, क्लास को छोड़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी, आपको आज का कंटेंट कैसा लगा। साथ ही साथ आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ में से आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस हैं ठीक हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। साथ ही याद रखें 6:00 करंट अफेयर की क्लास, 6:30 लोशन स्पीडी का महासंग्रह, 8:30 आपकी जनसाइंस की क्लास, 11:00 आपकी रीजनिंग की क्लास, 12:30 आपकी यहाँ पर रहेगी, 12:30 रहेगी आपकी जीके की क्लास, 2:00 आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास, शाम को 5:30 जनसाइंस की क्लास, 7:00 आपका मॉक टेस्ट, 7:15 पर आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास आपके लिए यहाँ पर, शाम को 9:00 फिर से एक मॉक टेस्ट और 9:15 पर रहेगी आपकी रिवीजन क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।